शिवपुरी जिले की बैराड़ तहसील क्षेत्र के नंदौरा में इन दिनों ग्रामीण विद्युत मंडल की मनमानी से परेशान है। यहां के किसानों ने बताया कि पिछले 6 महीने से गांव में बिजली ट्रांसफार्मर खराब पड़ा हुआ है, ग्रामीणों को बिजली मिल नहीं रही है। उसके बाद भी विद्युत मंडल बिजली के बिल भेज रहा है। इसकी शिकायत भी ग्रामीणों द्वारा विद्युत मंडल को कई बार दर्ज कराई गई है। इसके बाद भी विद्युत मंडल लगातार बिल भेज रहा है। इससे परेशान ग्रामीणों ने शनिवार को भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि गांव में खराब पड़े ट्रांसफार्मर को बदला जाए और खराब पड़े ट्रांसफार्मर अवधि के बिल को माफ किया जाए। विद्युत विभाग की मनमानी छू रही है आसमान की ऊंचाइयों को। हर रोज विद्युत विभाग के कई मामले सामने आ रहे हैं और कई बार मनमोहन सिंह जाट को भी अवगत कराया गया, फिर भी आज दिनांक तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। क्या विद्युत विभाग वालों की मनमानी इस तरह चलती रहेगी? किसान, गरीब, मजदूर लोग इसी तरह शिकार बनते रहेंगे? विद्युत विभाग बैराड़ के कर्मचारियों द्वारा लगातार की जा रही मनमानी साफ स्पष्ट हो रही है। जिन किसानों ने अपने घर के बिल जमा करवा दिए हैं, फिर भी बिल की राशि जैसी की तैसी है और किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आखिर ये प्रशासन को ठेंगा दिखाते ही नजर आ रहे हैं। क्या इस तरह चलता रहेगा उनका रवैया, या इन पर कोई शासन प्रशासन द्वारा ठोस कार्यवाही की जाएगी? तहसील बैराड़ का मैं उपाध्यक्ष, भाई साहब अध्यक्ष, ये ग्रामीण काफी नंदौरे से आए हुए हैं यहाँ पे। इनकी समस्या है कि बगैर देखे करे कोई चोरी नहीं की इनने और चोरी का केस बना दिया काफी किसानों के ऊपर। और अपनी बात रखने आज आए हैं, 6 महीने से करीबन लाइट नहीं है। क्यों? 6 महीना हो गया है इनका विगत, और अपनी समस्या बताने यहाँ पे आए हैं। और आप अपने हिसाब से देख लें सब बिल की हम पे कोई बकाया राशि नहीं है, जो कोई राशि नहीं इनके पास, कोई राशि नहीं है। जो बोल रहे हैं 10% नहीं, हम 20% जमा करने का बताया। और क्या करें कनेक्शन के लिए नाम हमने लिख के दिए थे ना, कोई पे 11,000, कोई पे 10,000, कोई पे 7,000, मगर पकड़े एक डोरी का इतना बड़ा टुकड़ा भी नहीं लेके आए। हमें बताएं हमारे पास कोई नहीं है इनके पास, मतलब जिनके लिए कनेक्शन के लिए अपनी स्वेच्छा से नाम लिख के दिए, जो बोले कि आप इतने ले लो, हमने कनेक्शन के लिए नाम लिख के दे दिए, सबने 14 के 14 लोगों पर केस बना दिया है इन्होंने। जो कौन सा न्याय ग्राम से ग्रामीण आए हैं तो उन्होंने अपनी बिजली समस्या को लेकर जो आपको अवगत कराया था, इस विषय में आप क्या कहना चाह रहे हैं? इस विषय में नंदौरा गाँव में 25 KVA का ट्रांसफार्मर 2 बार फूट चुका है, इसलिए वो 63 KVA का ट्रांसफर कराना चाह रहे हैं, पर उस पर बेड कनेक्शन मात्र 19 कनेक्शन होने के कारण प्रस्ताव बनाकर 63 का क्रय किया जाना संभव नहीं है। तो ग्रामीण क्या चाहते हैं? ग्रामीण ये चाहते हैं कि हमारा 63 KVA का ट्रांसफार्मर किया जाए। वो अभी क्योंकि उस पर पर्याप्त लोड होने के कारण अभी उसको क्षमता वृद्धि का काम नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।